हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अगला आर्टिकल मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि आप जानते हैं कि क्या है। वो है एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज, और हम देखेंगे कि ये कैसे, किस तरह के क्वेश्चन नीट और जेई के एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं हमको मालूम है कि वो कंप्लीटली क्या है, ऑप्शनल यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है। हमको वहां थियरी से काम नहीं चलने वाला है। हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी आर्टिकल पे कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन कंडीशन में एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा जरा देख लीजिए, सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसमें किसी एक ही एलिमेंट, मान लिया मैंने कार्बन, उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट है। सपोज C12 प्रेजेंट है N1%, सपोज C13 प्रेजेंट है N2%, एंड सपोज C14 प्रेजेंट है N3%। यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में कार्बन के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, और आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उनके जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द आइसोटोप्स। तो जान लीजिए बेटा, नेचर में कई एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन बेटा उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। और जिन भी किसी के एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मासेस अलग अलग हो, उनको क्या बोला जाता है, उनको आइसोटोप्स बोला जाता है। यानी कि कार्बन 12 कार्बन 13 एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। व्हाई? बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट बट देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, एंड दैट इज व्हाट, 6। अब अगर इस मिक्सचर में कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 तीनों प्रेजेंट हैं, तो अगर कोई पूछे कि इस मिक्सचर का मोलर मास क्या 12 है, नहीं, क्योंकि 13 14 भी है। क्या इस मिक्सचर का मोलर मास 13 है, नहीं, क्योंकि 12 और 14 भी है। क्या इस मिक्सचर का मोलर मास 14 है, नहीं, क्योंकि 12 और 13 भी प्रेजेंट है। तो बेटा यानी कि ऐसे कंडीशन में जब किसी मिक्सचर में किसी एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, तो हम वहां मिक्सचर का एवरेज मोलर मास प्रेडिक्ट करते हैं। और जब मिक्सचर का एवरेज मोलर मास प्रेडिक्ट करेंगे, तो आइए देखिए कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो एवरेज मोलर मास का जनरल फॉर्मूला है वो है एम एवरेज इक्वल्स टू M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। हियर M1 इज द मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, M2 is the molar mass of second isotope, and M3 is the molar mass of third isotope, and N1 and N2 and N3 are the respective percentage of the given isotopes. तो ये formula बनता है जहां से हम average molar mass को calculate करते हैं। हमारा सारा focus बेटा numerical पे रहता है, और जब हमारा सारा focus numerical पे रहेगा, तो आइए हम इस पे question देखते हैं कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे और कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। मान लिया कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर कार्बन का ही मिक्सचर है, और कहता है कि इसमें जो कार्बन 12 है बेटा, कार्बन 12 है वो कितना है, वो हमारा लगभग 80% है, और हमारा जो कार्बन 13 है वो कितना है बेटा, कार्बन 13 और कार्बन 14 का परसेंटेज हमको नहीं दिया है, और हमसे कहता है कि इसका जो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर है इस 12.25। तो हमसे कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप। हमसे कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप। तो बेटा कार्बन 12 13 14 में सबसे ज्यादा भारी कौन है, कार्बन 14, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या है, सबसे ज्यादा। तो अगर कहेगा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हैवी आइसोटोप्स, यानी वो हमको इशारा कर रहा है किसकी तरफ, कार्बन 14 की तरफ इशारा कर रहा है बेटा। अब जरा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया कि लेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 इज एक्स, देन व्हाट अबाउट कार्बन 14। अब हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज तो 100 होगा, ये था 80, तो रिमेनिंग 20 बचा, एक को x मान दिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, देन फॉर कार्बन 14 इट विल बी 20 - x। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी कैन राइट m एवरेज इक्वल्स टू m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3
अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। एम एवरेज है 12.25 और एम वन है कितना हमारा 12, 12 इंटू 80 कर दूंगा, प्लस एम टू कितना है बेटा हमारा, एम टू है हमारा सरकार 13, तो 13 इंटू क्या कर दूंगा परसेंटेज कंटेंट एम टू का मैंने कितना रिज्यूम किया है x, एम थ्री कितना बेटा 14 और परसेंटेज कंटेंट कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स एंड इट इज डिवाइडेड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो 12 to 5 आ जाएगा और ये 960 और ये कितना हो जाएगा 13x और ये कितना हो जाएगा 280 माइनस एक्स। यहां से बेटा माइनस 14x सॉरी, यहां से हम देख रहे हैं ये माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स को उधर लेके चले जाओ ये x हो जाएगा और x हो जाएगा हमारा तो ये 0 और 8 और 6 14 और 9 और 2 11, 11 प्लस 1 12 यानी ये 12 40 आ गया माइनस 1225 इसको इधर ले आएंगे तो 1240 में से 1225 जाएगा जब सब्सट्रैक्ट होगा तो हमारा कितना बच जाएगा बेटा हमारा बच जाएगा ये 15 यानी कि 15% कौन है हमारा x means the percentage of carbon 13 because x जो हमारा आया है कैलकुलेट होकर के 15% this is the percentage of carbon 13 and we are not interested for the carbon 13 we are interested for the heavier isotope तो देखो टोटल होता है 100 तो 100 माइनस 80 और 15 कितना हो जाएगा 95 कितना हो गया 5% इसका मतलब कि जो हैवियर आइसोटोप है उसका परसेंटेज कितना हो गया बेटा उसका परसेंटेज हो गया 5% 5% के बराबर हो गया। अब मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेने का जो है प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाइवर्सिटी ना क्रिएट कर पाए, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं कोशिश करता हूं उसको सम अप करने का। एक आपके अच्छा क्वेश्चन बनता है जो वेरिएबल के फॉर्म में दे देता है, बताता नहीं कि कौन है कौन नहीं, यानी एलिमेंट को डिस्टिंग्विश नहीं करता। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कैसा। मान लिया कि हमारे पास एक मिक्सचर था जिसमें किसी एलिमेंट एक्स के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट थे। अगर पहले वाले आइसोटोप का मोलर मास था m, दूसरे वाले का था m प्लस 1 और तीसरे वाले का था m प्लस 2। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x जिसके 3 आइसोटोप इस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं और पहले वाले आइसोटोप का जो मोलर मास है दैट इज m और दूसरे वाले आइसोटोप का जो मोलर मास है दैट इज m प्लस 1 और तीसरे वाले आइसोटोप का जो मोलर मास है दैट इज m प्लस 2। अब बेटा देखो जरा, हमसे कहता है कि m है 50%, तो बताओ कि बाकी दोनों m है 50% और हमसे कहता है कि इसका जो m एवरेज है वो m एवरेज है जो वो है कितना m प्लस 0.5, तो कहता है कि बताओ दूसरे वाले का परसेंटेज कितना होगा तीसरे वाले का परसेंटेज कितना होगा। क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। Suppose we have an element X which has three isotopes 1, 2, 3 and the percentage abundance of first isotope is 50%, then calculate the percentage abundance of other two isotopes given average molar mass is m plus 0.5 and also given molar mass of first isotope is m, सेकेंड आइसोटोप इज एम प्लस 1 एंड थर्ड आइसोटोप इज एम प्लस 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से जैसे पीछे किया आपने, लेट द परसेंटेज ऑफ एम प्लस 1 इन मिक्सचर इज एक्स। जैसे ही इसका परसेंटेज मैंने एक्स माना तो टोटल कितना है 100, ये 50 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स क्योंकि टोटल जोड़ने में 100 आना चाहिए। देन परसेंटेज ऑफ एम प्लस 2 ये कितना हो जाएगा बेटा 50 माइनस एक्स परसेंट हो जाएगा। अब जरा देख लीजिएगा, इसको समझते रहिएगा, दिस इज द परसेंटेज, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे
तो एम एवरेज इज इक्वल टू एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस एम थ्री एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। बेटा एम एवरेज की वैल्यू आपको दी हुई है, हाउ मच एम प्लस 0.5, एम वन एम ही है और कितने परसेंट है 50%, एम टू कितना बेटा एम प्लस 1 है और कितने परसेंट है x परसेंट, और एम थ्री कितना है एम प्लस 2 है और कितने परसेंट है 50 - x% divided by 100 क्रॉस, क्योंकि ये तो सम इसका सम हमेशा 100 जाएगा क्योंकि किसी भी मिक्सचर में टोटल कंपोजिशन तो 100% होगा ना, 100% के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा n1 plus n2 plus n3, यानी कि अगर ये दो ही आइसोटोप होते तो n1 plus n2 भी 100 के बराबर होता, चार आइसोटोप होते तो n1 plus n2 plus n3 plus n4 100 के बराबर होता। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इतना मालूम होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 100m और ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 50m और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए एम एक्स प्लस एक्स और बेटा उसके साथ साथ यहां आ जाइए तो ये कितना हो जाएगा 50m माइनस एम एक्स प्लस 100 माइनस 2x माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल हो जाएगा और 50 और 50 100 और ये भी कितना है 100 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहां देखें तो माइनस और ये प्लस यानी कि यहां बचेगा 50 एंड दिस वन विल बी 100 माइनस एक्स तो व्हाट अबाउट एक्स एक्स विल बी 50% और जैसे ही एक्स 50% हो जाएगा तुरंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि एक्स जो परसेंटेज हमने माना है वो किसका माना है, दूसरे वाले का माना है जिसका मोलर मास m प्लस 1 है, मींस दिस इज 50% इन द मिक्सचर। देन व्हाट अबाउट दिस वन, भैया 50 ये हो गया 50 ये हो गया ये कितना हो जाएगा 0%, मींस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ थर्ड आइसोटोप व्हिच मोलर मास इज m प्लस 2 इज 0 इन द गिवन मिक्सचर। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये भी एक मेरे नजरिए से काफी अच्छा न्यूमेरिकल था। और एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, देखिएगा जरा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं बेटा सीधे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन नहीं उठाया हूं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहा हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा जिन्हें घुमाना पड़ता है, बाकी वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग कर लेंगे। अब जरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, मान लिया कि किसी मिक्सचर में क्लोरीन के दोनों आइसोटोप प्रेजेंट थे, एक होता है Cl35 एंड द सेकंड वन इज Cl37। कहता है कि इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास था वो 35.5 था, वो कितना था बेटा 35.5 था, तो हमसे कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हैवियर आइसोटोप। फिर देखो ये बात मैंने आपको पीछे समझा रखी है, वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हैवियर आइसोटोप, मींस ये इंटरेस्टेड है किसके बारे में जानने के, जो हैवियर आइसोटोप है, और Cl35 और Cl37 में वही हैवी होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, यानी कि Cl37 के लिए इंटरेस्टेड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सरकार, ये आप देख लीजिए, एम एवरेज क्या होता है m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। माना कि सपोज मैंने मान लिया कि Cl35 कितना है x परसेंट, तो 37 कितना हो जाएगा 100 माइनस x परसेंट हो जाएगा, यानी कि m एवरेज कितना है 35.5, ये m1 हमारा कितना है बेटा 35 है इनटू x, और m2 कितना है, m2 हमारा है 37 100 माइनस x और ये कितना हो जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3550 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 35x प्लस 37 100 माइनस 37x, ये 2 बचेगा और 2 बचे उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा यानी 2x, और इसको इधर ले आ देंगे आप तो 3700 माइनस 3550 50 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जो है, हाँ ठीक है 50 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा
360 और प्लस 100 यानी कि 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 150 तो x कितना हो गया बेटा x हो गया 75% अब x इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Cl 35 एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर Cl 35 बिकॉज क्वेश्चन इज स्पेशली told us that we have to calculate the percentage composition of heavier isotope. Then what about this one? So हम कह सकते हैं कि अगर ये कितना आ गया 75, तो but obviously ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा. Means कि जो composition होगा बेटा किसका Cl 37 का होगा बेटा वो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा. इन तीन numericals से मैं इस topic को समअप करता हूं और बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी कुछ मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा. थैंक यू.